जाति को नहीं देते हैं। आज अपने सरकार के स्कीम में 90% का अनुदान हमारे निषाद समुदाय को हम लोग दे रहे हैं और हर तरह का आज पूरे बिहार में कोई भी कोई समस्या नहीं है। आज बिहार का 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता रहा, उस बजट बनने के समय में फरवरी में जनवरी में हम लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं कि किस चीज में कितना खर्च करना है। आज बिहार में हमने बना लिया एक अच्छे रणनीति से, हमें भी बहुत अवसर मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन हमने उस सबको ठुकराया और अपना झंडा और अपना पार्टी के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा और वहां पर सरकार में बना। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं 2016 से लगातार मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, जितना उत्तर प्रदेश के समाज भरोसेमंद है, जितना जागरूक है, जितना समझदार है, अपने समाज के लिए जितना लड़ाई लड़ते आया है, अगर इतना ही अगर हम बिहार में अगर लड़ना चालू कर दे, हमारा समाज जागरूक हो जाए, तो 2025 में बिहार का सीएम जो होगा वो निषाद का बेटा होगा। हमारे साथी ने कहा, रमेश जी ने, कि हमने जिस पार्टी को चुना उस पार्टी आने के चल गया, तो ये आपकी गलती नहीं है, आपने तो ईमानदारी से काम किया और निश्चित तौर पे आपने दूसरे लोगों को मदद किया, तो निश्चित तौर पे दूसरे लोगों को आपके साथ काम किया। आज आपने 2015 में 2016 में या 2020 तक तो आपने मजबूती से आपने अपने समाज के ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो क्या किया आज कहीं ना कहीं उसकी नीति रणनीति क्या कहा। आज एक टिकट पे समाज आपको राजा बनाना चाहता है, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और आप मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं दूसरे पार्टी का पट्टा अपने गले में पहन लेते हैं। 2018 का समय आया तो आपने बेटा को अपने एक सीट पर समझौता कर लिया साइकिल से। 2019 में जब लड़ने का समय आया, निषाद को आरक्षण दिलाने का समय आया, तो आपने फिर से बीजेपी के साथ समझौता कर लिया एक टिकट पे। अरे समझौता करना चाहिए, आप मजदूर में है, आपको हक है किसी पार्टी से समझौता करना चाहिए, लेकिन अपने पार्टी से गठबंधन करना चाहिए ना। आप अपना सिंबल बनना चाहिए, आप अपना सांसद बनना चाहिए। आपने क्या किया, एक टिकट पे समझौता कर लिया। आज अभी आप देखते होंगे पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी कोई समाज अगर सबसे ज्यादा चर्चित है तो निषाद समाज चर्चित है। और यहाँ पे इतना चर्चित होने के बाद जहाँ पे बड़े से बड़े पार्टी बड़े से बड़े लोग आपके सामने में झुकना था, आपके सामने में झुकने के रहना था, आज उसके सामने आप रहने दिए, आप झुक गए, आप एक एमएलसी के लिए झुक गए, तो फिर वो आपको दूसरा कुछ क्यों देगा। क्योंकि हमने बड़े नेता से जब मैं मिला कि भाई आपने उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते, उन्होंने कहा जितने भी आपके नेता है 10-20 लाख रूपये में बिक जाता तो उनको टिकट देने की क्या आवश्यकता है, बाकी जगह अपने लड़ाई लड़ते रहता है, लड़ाई समय आता 5-10 लाख रूपया दे देते हैं, वो खुश हो जाता तो बाकी उसको अधिकार क्यों देना है। तो मजबूती से जब तक आप मरने जा रहे हैं, अभी मैं 2016 में राज्यसभा भेज रहा था, केंद्र में मंत्री बना रहा था, लेकिन मैंने हमेशा उसको टुकराया, हमें हमेशा था कि हम अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और वही मैंने किया, लगातार मैंने ये किया। और 2020 तक में हमने 18 में पार्टी बना, 19 में यूपीए के साथ गठबंधन किया, अब 20 में एनडीए के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में हमने गठबंधन करके और बिहार में आज हमारी सरकार, तो आज हम अपने वजूद के साथ रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप एक टिकट पे समझौता कर रही है, आज आप हमसे मदद लेते, आज मुकेश सहनी को बिहार से उत्तर प्रदेश आने की कोई आवश्यकता नहीं था, आप यहाँ पे मजबूती से आप काम करते, आपको हर तरह से आपने इससे पहले भी मदद किया और अभी भी मदद करते और आप मजबूती से लड़ाई लड़ते तो उत्तर प्रदेश में भी आपके सामने में 40-50 टिकट से आपसे समझौता करता और जो 2022 का सरकार होता वो बगैर आपके सहयोग से सरकार नहीं होता। आज बिहार में बिहार की पार्टी का कोई भी एजेंडा को इग्नोर नहीं कर सकता वहां का सरकार, क्योंकि सरकार तो खुद ही है, उनको भी पता है कि मुकेश सहनी नाराज होना मतलब हमारा सरकार खतरे में जाना। आज हमारे लिए समाज के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। आज हमारा मुख्य लक्ष्य एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना और आरक्षण हमारा अधिकार है। जब बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिलता है, तो बिहार उत्तर प्रदेश या झारखंड में भी मिल सकता है। जब देश का संविधान एक है, जब देश का प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और मुझे पता है मैं भी 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 5 साल दूसरे पार्टी के पीछे पीछे घूमा,
हालांकि कभी किसी का पार्टी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके साथ रहा और उनके पीछे हमेशा जैसे एक कटोरा लेके घूमता ना कि हमें दो रुपया चंदा दे दो। इस तरीके से मैंने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमा और सबको मैंने कहा भाई ये हमारा अधिकार आरक्षण दे दो और सभी ने हाँ हाँ बोलते गया, लेकिन कभी किसी ने नहीं किया। उसी रोज हमें समझ में आ गया कि आपको मांगने से भीख मिल सकता है, अगर किसी को दया आ गया तो आपको आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन मांगने से आपका अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार को आपको छीनना पड़ेगा। और अधिकार छीनने के लिए हमने एक रणनीति बनाया है, बिहार में मजबूती से सरकार के साथ है और पूरे देश को पता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से ही रास्ता गुजरता है दिल्ली का। और जब हम बिहार और उत्तर प्रदेश में मजबूती से अगर संगठन बना रहे, पार्टी को खड़ा कर रहे, तो आने वाला समय में जो 2024 होगा उस समय में जिसको दिल्ली का राज करना है वो पहले निशा समाज के सामने में झुकना ही पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली में राज करेगा। उत्तर प्रदेश में आया हूँ, आज मैं यहाँ पे कहे नहीं आया हूँ, विधायक बनना है मैं ऑलरेडी हूँ, क्या मुझे मंत्री बनना है मैं ऑलरेडी बिहार में हूँ, तो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने निशान समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी को आप खरीद लेते हैं तो उससे पूरा बिहार उत्तर प्रदेश में निशान बिकने वाला नहीं है, वो व्यक्ति बिक सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेटा जब तक उत्तर प्रदेश के निशान के साथ न्याय नहीं होगा तब तक वो आपके साथ जाएगा नहीं। इसलिए भैया आप संघर्ष करें, मैं कहता हूं कि अगर आपको मेरे नियत और नीति के थोड़ा सा भी कोट है नजर आए, अभी तो चुनाव का भी 6 महीना बचा हुआ है, जब आप चुनाव गिराने के वोट गिराने के जाते हैं तो ये मशीन आप अकेले जाते हैं वहां पर बटन डालते हैं, उस समय में आप अपने दिल पर हाथ देना, उस समय लगे कि सना पंबा सही है तो मेरे कहने से आप वोट गिराना, अगर लगेगा कि नहीं सना पंबा सही नहीं है तो अपने मर्जी से वोट गिरा देना। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब आपस में एकता बनाए रखें, आपस में लड़ाई नहीं लड़े, एक दूसरे को ये ना करे। आज डॉक्टर साहब वोट किया है उनको खुद को एहसास होता होगा कि उनके उसके जीते जिंदगी में बिहार उत्तर प्रदेश में बिहार से निशान का बेटा आप उनके यहाँ पे आज राज कर रहा है, आज कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होता होगा, वो समझते होंगे कि कितने बड़े गलती किए हैं। आज मैं तो खुले आप उनको मैंने कहा कि आपको हर तरह से मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ, मजबूती से आप लड़िए, आपके साथ मैं हूँ, बड़े से बड़े नेता आपके सामने झुके रहा, आपको झुकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज वो झुक गए, आज कुछ नहीं उनको होगा, जब आप ही झुक जाइएगा तो आपके सामने समझौता क्या करेगा। इसलिए आप सब मजबूती से पार्टी के साथ आइए, पार्टी सही समय में सही निर्णय लेगा। आज हमारा पूरा नेता क्लियर है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, 165 सीट हमने पूरे प्रदेश में 165 सीट हमने चिन्हित किया है और 165 सीट पर हम लड़ने के लिए तैयार है, हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। एक बार आपको अपने पार्टी को वोट देकर दिखाना पड़ेगा कि आपके एक विधानसभा में आपके पास कितना वोट है। आपने आजादी के 75 साल बीत गए, हर 5 साल में 2 बार वोट होता है, एक बार लोकसभा के लिए एक बार विधानसभा के लिए, आपने हमेशा वोट दिया लेकिन आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। एक बार आपको अपने पार्टी के साथ जाना है कि हमारे पार्टी जब तक आरक्षण नहीं तब तक हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे और हमारी पार्टी को हम वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। हम जीतेंगे कितना वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोग आप क्लेम करता है बिहार और उत्तर प्रदेश में कि किसान का वोट मेरा जागीर है, उनको समझ में समझ में आएगा अगर हम 165 सीट पे लड़ेंगे तो कम से कम 75 सीट सामने वाले को हारना पड़ेगा जो ये किसान का वोट जागीर समझता है, और एक बार हरा के दिखाना पड़ेगा। हमने आप सबको पता होगा कि बिहार में 2019 में उपचुनाव हुआ, हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट पर जब समझौता नहीं हुआ हम अकेले मैदान में उतर गए और हमने 15% कि मेरे पास वोट है, मैंने बोलना तो नहीं करके दिखाया, जब उपचुनाव मैंने लड़ा तो 25,000 वोट ला के दिखाया और उसके कारण एनडीए वहां पे हारा और यूपीए जीत के गया और वही लोग पता चल गया कि निषाद का वोट क्या की पार्टी के साथ है, सनातन धर्म के साथ है और उसके बाद भी एंड टाइम पर 2020 में क्या की पार्टी के सामने झुकना पड़ा और क्या की पार्टी से गठबंधन करना।
साथ रहा, आज उनको बिहार में हमारी सरकार है। तो एक बार आपको सराहना नहीं करके दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ इतने बड़े समूह में भीड़ दिखाने का, रैली दिखाने का, लेकिन चुनाव के टाइम में वोट इधर उधर होगा, लोग बोलेगा कि यहाँ आया वहाँ आया ऐसा गया, लेकिन एक बार वोट पर दिखा दीजिएगा, जब काउंटिंग हो जाएगा तब उस रोज आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा कि एक विधानसभा में आपका चुनाव होगा। बगैर सर्टिफिकेट आए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए ना, आप कहाँ हैं आज, लोग आपको मानते हैं भैया, अच्छा बात है, काम को मानिए। कुछ लोग रहन को मानते हैं, अच्छी बात है, बहन को मानिए। कोई महात्मा गांधी जी को मानते हैं, अच्छी बात है, मानिए, हम भी मानते हैं। कोई अम्बेडकर जी को मानते हैं, मानिए, हम भी मानते हैं। लेकिन मैं अगर पूनम देवी को बता देता हूँ, अगर मैं पूनम देवी को मैं मानता हूँ तो फिर भला आपको कुछ बात का आपत्ति है। पूनम देवी जी दुनिया उनको मानते हैं, दुनिया उनको लोहा मान लिया, और वो और उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगा उसका उन्होंने सजा भी काटा। सजा काटने के बाद देश का सबसे बड़ा पंचायत में वो दो दो बार सांसद बन गए, और उसके बाद भी वो कैसे गुनेगार हो सकता था। और उसके प्रतिमा पे आप माला भी चढ़ाने दे रहे हैं, ये कैसी सरकार आप चला रहे हैं। आप बताइए कि हमारे एक माता बहन स्वर्गवास होने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार उनको सम्मान नहीं दे रहे, तो आप हम लोग जिंदा हमको कितना सम्मान देता होगा, ये आप सबको पता है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी रैली होता था सुल्तानपुर में, कल शाम को रात को परमिशन मिला, परमिशन नहीं मिल रहा। हमने कल दिन में 12 बजे हमने एसपी साहब को फोन किया, भैया परमिशन अभी तक तुमने दे रहे, कल कार्यक्रम है, आज आगरा में कार्यक्रम है, यहाँ पे भी परमिशन दे दीजिए। तो नहीं, हमें पता चला कि आप उत्तर प्रदेश का प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं, तो बोला अगर प्रतिमा भी लगाना है तो मैं आपसे परमिशन लेके लगाऊंगा। जिस लोग हिसाब का बेटा चाह रहे हैं उनको लगा देंगे, मानने वाला हूँ, मैं संविधान के रास्ते पे चलने वाला हूँ, मैं सरकार कानून मैं खुद हूँ, मैं सब चीज को फॉलो करना, भला मैं क्यों गलती करूँ। आपकी सरकार है, आप जब तक चाहेंगे तब तक आप रोकिए। एक ना एक दिन वो सना मल्ला में ताकत है कि पूरे हिंदुस्तान का सना मल्ला खड़ा होगा और अपने संपर्क और देश में सरकार बनाएगा। आज बिहार में हमने बनाया ना, निषाद का बेटा का समर्थन से बिहार में सरकार है, बिहार में मुख्यमंत्री शपथ लिए है। एक समय आएगा कि निषाद के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनेगा, और जिस रोज दिल्ली में सरकार बनेगा, सरकार बनने से पहले उसको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि मैं निषाद को आरक्षण दूंगा। आज हमें कोई आज बिहार में जो भी हम साथ पॉलिसी लाने का वो सब हम ला रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में प्रतिमा पर मैराथन करने के लिए नहीं मिला, लेकिन बिहार में कहीं रोक टोक नहीं हुआ, बिहार में हमने जो चाहा वहां पे हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। आने वाले समय में दीपावली के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा देवी का 50,000 प्रतिमा बना रहे हैं। आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी के दिलों में से कैसे रोक लगा देंगे, किसी के घर में कैसे रोक लगा देंगे। तो हमें प्रतिमा बना रहे हैं कि आने वाले समय में पूरा देवी देवी का 50,000 प्रतिमा उत्थान और पूरे उत्तर प्रदेश में लगा देने जा रहे हैं। आपको जिनको रोकना है उसको मानना मांगे, मैं जिनको मान रहा है मैं मरते जब तक मैं उन्हीं को मानते रहूंगा। हमारे लिए हमेशा आदर, हमारे लिए है और आगे वाले समय में भी रहना है, इसलिए आप सभी को इन्वाइट करना चाहता हूँ।